सोलो फ्रेंड्स, राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करूँ सबसे पहले न्यूज के बारे में, सबसे पहले जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है वीवो की तरफ से, और वीवो अपने काफी सारे स्मार्टफोन वी सीरीज के अंदर जल्दी लॉन्च करने वाला है, क्योंकि वीवो की वी सीरीज के काफी सारे जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफाई होकर के कन्फर्म हो गए हैं। पहला जो स्मार्टफोन है वो है वीवो V1, दूसरा स्मार्टफोन है Vivo V2 और तीसरा स्मार्टफोन है Vivo V3। ये जो सभी स्मार्टफोन है वो ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, जिससे इनका जो लॉन्च है वो यहां पर कंफर्म हो जाता है। तो Vivo की V सीरीज के अंदर आपको काफी सारे नए स्मार्टफोन जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 11S। ये जो स्मार्टफोन है जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि अब ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो 100% कंफर्म हो जाता है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया भी था कि इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन लेकर के आने वाला है, जो कि डायरेक्टली रेडमी 10 प्राइम स्मार्टफोन को कंपीट करने वाला है। ऑब्वियसली ये वही वाला स्मार्टफोन है, इसमें आपको हीलियो G88 वगैरह का जो चिपसेट वगैरह है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स हॉट 11S स्मार्टफोन जल्दी ही इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के साथ में काफी सारी और भी कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो इन्फिनिक्स हॉट 11S स्मार्टफोन है, इसके बेस वेरिएंट के लिए जो प्राइसिंग होगी वो 9,999 रुपए होने वाली है, हीलियो G88 प्रोसेसर के साथ में। आपका क्या ओपिनियन है इन्फिनिक्स के बारे में? आप यहां पर रेडमी के साथ जाना पसंद करते हैं या फिर आप यहां पर इन्फिनिक्स के साथ जाना पसंद करेंगे? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है पोको की तरफ से। दोस्तों, अभी तक पोको वाले अपने स्मार्टफोन वगैरह को ही लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर पोको अपना टी शर्ट भी लॉन्च करने वाला है, साथ में ये लोग पोको कैप भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि पोको का जो नया टी शर्ट है और जो कैप है वो यहां पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, और जल्दी ये जो क्लॉथ है वो यहां पर पोको की तरफ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यार, कम से कम ढंग का स्मार्टफोन इन लोगों को लॉन्च करना चाहिए जो कि रीब्रांडेड ना हो। क्या ये लोग टी शर्ट और ये कैप वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, फालतू में अंडरवियर वगैरह भी आगे चल के लॉन्च करने लगेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से। अगर आप यहां पर फ्लिपकार्ट पे कोई भी नया स्मार्टफोन वगैरह परचेस करना चाहते होंगे तो यहां पर फ्लिपकार्ट कुछ अपने 100 लकी विनर्स के लिए यहां पर ऑफर चला रहा है। इसमें आपको जो स्मार्टफोन है वो यहां पर फ्री में देखने को मिल सकता है। आप कोई सा भी एक स्मार्टफोन खरीदें इस टाइम पीरियड के दौरान, इनके ऑफर के दौरान, और ऐसे में जब इनका रिजल्ट निकलेगा तो जितने लोग यहां पर इस ऑफर पार्टिसिपेट किए रहेंगे उसमें से 100 लोगों को कैशबैक मिलने वाला है, और वो कैशबैक कोई नहीं, आपके स्मार्टफोन की प्राइस ही होगी। तो आपके स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो यहां पर रिटर्न हो जाएगी, तो ऐसे में स्मार्टफोन आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, वहां पर स्मार्टफोन वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहां पर ये ऑफर फोन फॉर फ्री के नाम से चल रहा है, जहां पर Realme 8, Realme 7 और पोको के स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ दिखाए गए हैं। ऐसे में जाकर के आप कोई भी नया स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। अगर आपको एक लेना है नया स्मार्टफोन तो फालतू में आपको नहीं कहूंगा कि आप जाकर के पैसा इन्वेस्ट कर दें, और क्या पता ऑफर में आपका नाम भी ना निकले तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं Realme 8S स्मार्टफोन को लेकर के। यहां पर Realme 8S जो स्मार्टफोन है अब यहां पर ऑफिशियली कंपनी की तरफ से टीज होना स्टार्ट हो गया है इंडिया के लिए, और यहां पर आज इन लोगों ने इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसे टीज कर दिया है। मैंने काफी समय पहले आपको बताया था कि Dimensity 810 प्रोसेसर के साथ में Realme 8S स्मार्टफोन जल्दी ही इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आएगा। अब यहां पर जो Realme इंडिया का ट्विटर पेज है इस पर इन लोगों ने Dimensity 810 प्रोसेसर को यहां पर टीज किया और ट्यून करके लिखा है, और इन्होंने कहा है कि हम दुनिया के पहले स्मार्टफोन होने वाले हैं जो कि Dimensity 810 प्रोसेसर पे एक नया स्मार्टफोन लेकर के आने वाले हैं। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन कोई और नहीं बल्कि Realme 8S स्मार्टफोन ही है, और यहां पर Dimensity 810 जो प्रोसेसर है वो फिलहाल टीज हो गया है, और उम्मीद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इसके लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट वगैरह जल्दी ही होने वाली है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं Realme Narzo सीरीज को लेकर के। दोस्तों, यहां पर Realme Narzo 50i ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर कंफर्म हो गया है। Narzo 50 सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन आएगा Narzo 50i के नाम से, और कहा जा रहा है कि मे बी ये Narzo सीरीज का काफी सस्ता स्मार्टफोन हो सकता है।
और मे भी ये 5G स्मार्टफोन हो सकता है जिसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको कुछ 10-11 हज़ार रुपए के आसपास में देखने को मिल सकती है। वैसे रियलमी ने अनाउंसमेंट भी की है कि वो लोग सस्ते 5G स्मार्टफोन लेकर के आ रहे हैं, तो देखते हैं आखिर रियलमी नार्जो 50i जो स्मार्टफोन है वो कौन सा स्मार्टफोन निकल करके आता है। बात करूँ अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है रेडमी के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों रेडमी का एक नया स्मार्टफोन फिर से यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है। फिलहाल ये कन्फर्म तो हो नहीं पाया कि ये कौन सा स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पर मे बी ये रेडमी का कोई सस्ता अपकमिंग 5G स्मार्टफोन हो या फिर रेडमी का कोई अपकमिंग बजट स्मार्टफोन हो, ये तो हमें आने के बाद में ही पता चलेगा। तो रेडमी का नया स्मार्टफोन जल्दी ही आपको फिर से देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं रियलमी और रेडमी की तरफ से। दोस्तों ये लोग मतलब प्राइस इंक्रीज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी क्या हुआ था कि Redmi वालों ने प्राइस इंक्रीज की थी अपने Redmi Note सीरीज की, जो कि Redmi Note 10 जो स्मार्टफोन है वो 14,000 रुपए का हो गया है, इसकी प्राइस यहां पर इंक्रीज कर दी गई है। अब Redmi को देख करके Realme ने भी अपने नंबर सीरीज के स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है उसको इंक्रीज कर दी। दोस्तों Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन के लोगों ने प्राइस बढ़ा दी है। अब ये स्मार्टफोन कुछ आपको 1,000 रुपए महंगा देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ में Realme 8 स्मार्टफोन की भी प्राइस इन लोगों ने बढ़ा दी है। अब जो Realme 8 स्मार्टफोन है वो 16,000 रुपए का हो गया है। इसके साथ में जो Realme 8 5G स्मार्टफोन है इसकी भी प्राइस इन लोगों ने बढ़ा दी है। अब ये जो स्मार्टफोन है वो 15,500 रुपए का हो गया है। तो मतलब ये चल क्या रहा है, मतलब काफी सारे स्मार्टफोन की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ये लोग इस कंडीशन पे ला देंगे कि कोई स्मार्टफोन लास्ट में खरीदेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मतलब स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं किस प्राइस पे, लास्ट में आते आते उसे पहुंचा दे रहे हैं किस प्राइस पॉइंट पे। तो ये पूरी डिटेल अब हो सकता है कि ये रियलमी वाले इसलिए प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं ताकि रियलमी 9 सीरीज को एडजस्ट कर पाएं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे की कहानी, बट प्राइस इंक्रीज करना ये कहीं से भी सही नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों यहां पर जियो फोन नेक्स्ट ये जो स्मार्टफोन है वो 10 सितंबर को इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, और यहां पर आज एक रिपोर्ट निकल रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन है इसकी प्री बुकिंग आप यहां पर अगले हफ्ते से मे बी यहां पर कर सकें, और यहां पर प्री बुकिंग की जो प्राइस रखी जाएगी वो यहां पर 500 रुपीज हो सकती है, कि प्री बुकिंग के टाइम पे आपको 500 रुपए देना है, उसके बाद में स्मार्टफोन जब आपको मिलेगा तो आप यहां पर बाकी का पैसा पे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अब देखते हैं आखिर ऑफिशियली क्या चीजें कंफर्म होकर के आती हैं और कब से आप यहां पर इस स्मार्टफोन को प्री बुक कर पाते हैं। बात करूं अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं रियलमी नोट 9 स्मार्टफोन को लेकर के। यार मैं तो कहते हुए भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि कहीं मैं रेडमी ना कह दूं। तो Realme Note 9 स्मार्टफोन आ रहा है, इसके फीचर्स और प्राइस को लेकर के कुछ डिटेल्स यहां पर लीक्स आई हैं। कहा जा रहा है कि जो Realme Note सीरीज के स्मार्टफोन आने वाले हैं वो बेसिकली आपको 15,000 रुपए से नीचे की प्राइस पे देखने को मिल सकते हैं। इनकी जो प्राइसेस होगी वो आपको 13-14,000 रुपए के आसपास की प्राइस पे ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे, और यहां पर ये सस्ते 5G स्मार्टफोन हो सकते हैं Realme Note 9 सीरीज में। तो देखते हैं क्या चीजें होती हैं, वैसे अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये फिलहाल एक लीक थी जो कि मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। दोस्तों अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है Redmi की तरफ से। दोस्तों Redmi 10 Prime स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। अब यहां पर कुछ रिव्यूअर्स की तरफ से इसके कैमरा रिव्यू निकल करके आ चुके हैं, और यहां पर कैमरे में ये जो फोन है वो काफी हद तक डिसअपॉइंट किया है यूजर्स को। और मैं आपको पहले बता दूं कि Redmi 10 के नाम से ये स्मार्टफोन ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज में लॉन्च किया गया है, तो वहां से कुछ रिव्यूज वगैरह निकल करके आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है बैक पैनल की वो उतनी भी अच्छी नहीं है जिस हिसाब से इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। तो देखते हैं आखिर इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो यूजर को कितना हद तक सेटिस्फाई कर पाता है। वैसे ये थे कुछ कैमरा डिटेल जो कि मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। आपका क्या कहना है इन सभी चीज़ों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।